बिसी विभाग बहुत बड़ा झटका लगा है, सारे सपने टूट गए हैं, हकीकत सभी के सामने है। युवा परेशान है, सड़कों पे भटक रहा है, लाठियां खा रहा है, किस लिए? सिर्फ एक नई शिक्षक भर्ती के लिए। और नई शिक्षक भर्ती का आलम क्या है, वो सारा डाटा हम सरकार को इस समय बताने वाले, जो विधानसभा में पेश किया गया है, सारी चीज़ें हम सब कुछ इस पर अपडेट करेंगे। तो फटाफट जुड़ेंगे आप सभी साथी और शेयर करेंगे वीडियो को और भी साथियों तक। और पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो फटाफट चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आखिर हालचाल क्या है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, आइए हम आपको दिखाते हैं हकीकत। विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अंतरांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर। 74 वाला प्रश्न क्या था? क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है और उत्तर किस प्रकार है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट आपको बताते हैं। अगर प्राथमिक में बच्चों की बात करी जाए तो वो है 1,28,60,939 बच्चे। और अगर हम इस 1,28,60,939 पे शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की संख्या है 3,32,734। ये मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं उच्च प्राथमिक की बात करी जाए तो बच्चों की संख्या है 52,53,772 बच्चे हैं। अगर वहाँ नियमित अध्यापकों की मैं बात करूँ तो 1,20,860 बच्चे जो हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ें आपको मैं बताऊँ तो वे नज़र आता है 30 अप्रैल 2022 तक छात्रों की संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इतना तथा शिक्षकों का इतना, छात्र अनुपात 38.1 का है। और वहीं अगर प्राथमिक विद्यालयों में इनके हिसाब से देखा जाए तो 26 बच्चों पे जो है एक अध्यापक नियुक्त हुआ है, ये इनका रेशियो कहता है। और 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर बताई जाए तो 43:1 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशकों की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए छात्रों का अनुपात 35:1 को मानक पूर्ण हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इनका कहना ये है कि आप भूल जाएं कि प्राथमिक में भर्ती आने की उम्मीद है, क्योंकि रेशियो इनका मेंटेन है और बेसिक विभाग का रूल है कि अगर शिक्षक छात्र अनुपात है तो ये भर्ती देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे और आप भर्ती के लिए बिल्कुल भूल जाएं। तो बहुत बड़ा सो है चीज़ निकल करके आई है, हकीकत निकल के आई है। अब यहाँ से नई शिक्षक भर्ती कैसे निकालनी होगी, उसका ऑप्शन ये है कि नामांकन बढ़ाया जाए। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ेगा बच्चों का तो रेशियो में थोड़ा सा अंतर आएगा, और जब रेशियो छात्र और अध्यापक का अंतर आएगा तभी जा करके नई शिक्षक भर्ती। बाकी ये यही कहेंगे कि भाई छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है तो भर्ती कैसे दे दें, जब हमारे पास शिक्षक पर्याप्त है तो एक्स्ट्रा शिक्षक हम लेकर के क्या करेंगे। तो ये हालात हैं, ये है एक बड़ी सूचना, इसको शेयर करिएगा और भी साथियों तक। योजना बनाई जाएगी और साथियों के साथ कि नई शिक्षक भर्ती निकालने के लिए किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे तब तक के लिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।